बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइलम एकिनोडर्मेटा, द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। जनरल करैटिस्टिक्स बेटा जी में सबसे पहले जो है वो डाइवर्सिटी, देयर आर 5000 नॉन स्पीशीज ऑफ एकिनोडर्म्स, दे आर मेरीन ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट द सी बॉटम, यानी मुकम्मल तौर पर ये समुंदर में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। स्पाइनी स्किन, तो पहला जो इनका फीचर है, द बॉडी इज कवर्ड बाई डेलिकेट एपिडर्मस, द मेसोडर्मल सेल्स डिवेलप ए फर्म कैल्केरियस एंडोस्केल्टन। इनकी जो मेसोडर्म है वो बॉडी के अंदर एक कैल्शियम का बना हुआ स्केल्टन बनाता है, और उस स्केल्टन में से स्पाइंस जो हैं वो एपिडर्मस को में से बाहर निकल आते हैं, विच मे बी ए स्पाइंस एंड बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजन फ्रॉम मेसोडर्म इट इज़ कॉल्ड एंडो स्केल्टन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ये एकिनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी किंगडम एनिमेलिया और सब किंगडम यूमेटाजोआ, डिवीजन बाइलेटेरिया, सलूमेट्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सलूमेट्स हैं, एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। आप कहेंगे सर अभी आपने बोला जी डिवीजन बाइलेटेरिया, असल में जो रेडियल सिमेट्री है ये इनका सेकेंडरी करैक्टर है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है सेकेंडरी अडॉप्टेशन या सेकेंडरी करैक्टर वो करैटिस्टिक होती है जो एनिमल का जब वो बर्थ ले रहा होता है उस के बाद वो अपनी सर्वाइवल के लिए लेता है। जैसे क्रोकोडाइल बेसिकली लैंड ट्रस्टियल एनिमल है, लेकिन उसने वाटर को अपना हैबिटेट सेकेंडरी अडॉप्टेशन के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए इख्तियार किया हुआ है। ठीक हो गया ना जी। इस तरह से इनकी जो बेसिक डेवलपमेंट के दौरान जो इनका एम्ब्रियो बनता है उसकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है, लेकिन बाद में इनकी शेप जो है अडल्ट एनिमल्स की जो शेप है वो रेडियल हो जाती है। द माउथ इज ऑन लोअर सरफेस, जिसे हम ओरल बायोलॉजी में कहते हैं, एंड एनस इज ऑन अपर सरफेस, जिसे एबोरल कहते हैं जी। तो अब हैबिटेट, द एकिनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली, मुकम्मल तौर पर, एक्सक्लूसिवली का मतलब बेटा ये नोट कर ले, मुकम्मल तौर पर मेरीन, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड एट द बॉटम अलॉन्ग शोर लाइन्स, साहल के किनारे के साथ साथ शैलो सीज, कम गहरे पानी समुद्रों में यानी पानियों में। मोस्ट ऑफ स्पीशीज आर फ्री लिविंग, ज़्यादातर फ्री लिविंग है यानी अकेले अकेले ज़िंदगी गुजारते हैं, और सम आर यानी मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और सम आर अटैच टू सबस्ट्रेटम, किसी पत्थर या फूड मटेरियल के साथ चिपक जाते हैं, ससाइल यानी होते हैं साकन। सिमेट्री ऑल दी लार्वल फॉर्म्स ऑफ दीज एनिमल, जब ये पैदा हो रहे होते हैं, जन्म ले रहे होते हैं, तो उस वक्त दे शो एग्जिबिट शो बाइलेटरल सिमेट्री, बट अडल्ट शो रेडियल सिमेट्री इन शेप, बॉडी शेप विच इज़ एन अडॉप्टेशन, सेकेंडरी अडॉप्टेशन फॉर देयर स्पेशल मोड ऑफ लाइफ, अपनी सर्वाइवल के लिए जी। तो अब जो है फाइलम एकिनोडर्मेटा में बॉडी शेप, तो बेटा ये बॉडी मे बी फ्लैटेंड लाइक बिस्कुट, केक, अर्चन जो है, पिछले बेटा जी आपको ये हमने जो है ये सी अर्चन जिसे हम केक अर्चन कहते हैं, तो इस तरह का ये आपको इस तरह से मैं दिखाता जाता हूँ स्टार शेप, ये यहाँ भी आपको स्टार शेप नज़र आ रही है, ये सी अर्चन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक हो गया ना जी। तो विद शॉर्ट आर्म्स, ग्लोबुलर गेंद की तरह हो सकते हैं सी अर्चन जिसे हम कहते हैं, और उसके अलावा जो है स्टार शेप्ड, तो ये स्टार शेप्ड भी हो सकते हैं। विद लॉन्ग आर्म्स, बिटल स्टार्स आर इलॉन्गेटेड, या लंबे लंबे पाइप की शक्ल के सी ककंबर जिसे कहते हैं। देर इज़ अ सेंट्रल डिस्क फ्रॉम विच आर्म्स रेडिएट, स्टार शेप्ड वालों में। वाटर वास्कुलर सिस्टम बेटा जी, नीचे वाली फिगर के अंदर आपको वाटर वास्कुलर सिस्टम दिखाया है, तो द मोस्ट यूनिक करैटिस्टिक ऑफ एकिनोडर्म इज दैट वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन द सिलोम, इट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्स एंड स्पेसेस सराउंडिंग द माउथ, तो एंड पासेस इनटू द आर्म्स एंड ट्यूब फीड्स जो है। तो बेटा जी द वाटर सर्कुलेट्स थ्रू दीज चैनल्स, वाटर इंटर्स दीज कैनाल्स
थ्रू ए सीव लाइक प्लेट कॉल्ड मैड्रीपोराइट। तो मैड्रीपोराइट से पानी अंदर इंटर होता है, रेडियल कैनाल्स में आ जाता है ये सारे, फिर रेडियल कैनाल से क्या निकलते हैं, ट्यूब फीड्स निकलते हैं और उन ट्यूब फीड्स के जरिए से पानी बाहर निकलता है एक जेट की तरह, और फिर उसकी मदद से ही ये हरकत भी करते हैं वट जो है। तो अब जी प्रेजेंट ऑन द अबोरल, जैसे मैंने बताया ऊपर वाली साइड पर जो है वो ऊपर साइड में पाया जाता है। लोकोमोशन, द मोटाइल स्पीशीज मूव विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीड, ईच ट्यू फीट इज ए सॉफ्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलॉन्ग द एज ऑफ ग्रूव्स जो है इन द आर्म्स जो है, ग्रूव्स कहते हैं छेद को बेटा जी। ऑर्गन सिस्टम, द एकाइनोडर्म्स एग्जिबिट शो लो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो कोई ज़्यादा हाईली डिवेल्प्ड नहीं होते हैं, मसलन दीज आर स्पेशलाइज ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन और उसके अलावा रिप्रोडक्शन, बट देर नो स्पेशलाइज ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज आल्सो पोअरली डेवलप्ड, देर इज नो ब्रेन, हाउएवर ए नर्व रिंग इज प्रेजेंट। अगर आप देखें तो नीचे वाली तस्वीर में आपको एक रिंग सा नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, ये नर्व रिंग है जो ब्रेन का काम करता है और फिर उससे जो है वो नर्व फाइबर जो है वो निकलता है जो कि पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो देर इज नो रिंग अराउंड द फ्रेंजल रीजन। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम इज पुअरली ऑर्गेनाइज, क्योंकि एक वाटर वास्कुलर सिस्टम मौजूद तो है इसमें। अब बेटा जी रिप्रोडक्शन, द सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल एंड फीमेल होते हैं ये, एंड द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, तो ये अपने स्पर्म्स और एग्स जो वो पानी में रिलीज कर देते हैं और पानी में ही उनके मिलाप से जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है यानी लार्वी, सच एज बाइपिनेरिया, ब्रैकुलेरिया आर कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। ये बेटा जी कुछ ज़्यादा एडवांस टर्म्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की हैं, तो बहरहाल आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं बाइपिनेरिया, ब्रैकुलेरिया एंड रिजेंबल दोज ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक हो गया ना जी। रीजनरेशन तो के जरिए से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं कि अगर एक बॉडी ऑर्गन का कोई हिस्सा जो है वो कट गया है तो उससे वो दूसरा हिस्सा पैदा कर लेते हैं। दी एबिलिटी टू फॉर्म लॉस्ट ऑर्गन्स इन कॉमन अमॉन्ग एकाइनोडर्म, स्टार फिश, सी ककंबर, सी लिली, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन एग्जिबिट दिस करेक्टर, यानी रीजनरेशन के जरिए से इनका बॉडी दो पीसेज में तकसीम हो जाए तो हर पीस जो है वो अपना अपना हिस्सा मुकम्मल करके एक से दो में तब्दील हो जाते हैं ये। टेक्सोनॉमिक स्टेटस, एकाइनोडर्म्स आर कंपैरेटिवली सिंपल इन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फिजियोलॉजी, डिजर्व अ प्लेस स्लाइटली बिलो एनिलेड्स वर्म्स। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये एनिलेड्स से ज़्यादा सिंपल एनिमल्स हैं, तो इसलिए इनका फिर जो है वो टेक्सोनॉमी में स्टेटस कहाँ आना चाहिए था, एनिलेड्स के नीचे आना चाहिए, लेकिन इनके के पास कुछ करैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कॉर्डेट्स से मिलते जुलते हैं। तो हाउएवर दीज आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ लिस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला, सबसे पहले इनको कॉर्डेट्स से पीछे रखा जाता है। ऐसी क्या वजह है, रिजम्बलेंस सिमिलैरिटीज बिटवीन एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट, दिस इज बिकॉज देर आर ए नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग रिजम्बलेंसेज सिमिलैरिटीज, नुमाया स्ट्राइकिंग का मतलब नुमाया, बिटवीन एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट, सच एज देर इज ए रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग द डिवेलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जब इनका एम्ब्रियो होता है तो वो रेडियल क्लीवेज से पैदा होता है, कॉर्डेट्स का भी रेडियल क्लीवेज से पैदा होता है। ब्लास्टोपोर फॉर्म द एनस इन एकाइनोडर्म्स एज वेल एज इन कॉर्डेट्स, दोनों डिटीरियोस्टोन्स हैं, तो ये शो करता है कि दोनों एक ही इंसेस्टर से पैदा हुए होंगे, ठीक है ना। बायोलॉजी के मुताबिक, मैं तो एवोल्यूशन पे यकीन ही नहीं रखता हूँ, देयर आर सर्टेन कॉमन बायोकेमिकल पिकुलैरिटीज, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, पिकुलैरिटीज से मराद क्या नोट कर लें बेटा जी, क्या नोट कर लें, सब्सटेंसेस अमोंग द एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, फॉस्फोक्रिएटिन इज प्रेजेंट बोथ, कॉमन एग्जाम्पल्स एस्ट्रियास जो है, स्टार फिश, सी अर्चन, सी ककंबर, केक अर्चन, ब्रिटल स्टार, इनकी शेप्स मैंने आपको पहले दिखा दी है जी। एकाइनोडर्म्स अफिनिटीज, ये बड़े ही मैंने साथ में डिफरेंसेस आपको बना के दे दिए हैं, इनको वीडियो को रोक के इनको नोट कर लें, कागज़ अपनी किताब में स्टेपल कर लें जी। तो एकाइनोडर्म्स डू नॉट शो क्लोज रिलेशनशिप टू मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, बट दे डू शो अफिनिटीज इन सिमिलैरिटीज विद हेमिकॉर्डेट्स, जो कि कॉर्डेट्स से पहले एक ग्रुप एनिमल का है। बोथ दीज हैव ए नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स अमॉन्ग विच दे आर द फॉर्मेशन ऑफ सिलोम्स एंड रिटेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर्स एज अ साइट फॉर फ्यूचर एनस। इन बोथ मीजोडर्म्स इज ड्राइड फ्राम, मीजोडर्म किससे बनती है, सेल्स क्लोज टू द ब्लास्टोपोर, जो कि ब्लास्टोपोर के नज़दीक पाए जाते हैं,
ये सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो बोथ पोजेसेस अ मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन, बोथ वेयर एज द एक्सोस्केलेटन इज एक्टोडर्मल इन रीजन वाइल इन इनवर्टिब्रेट्स ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ जो है। तो बेटा जी कंक्लूजन फिर हमने क्या निकाला, अबव रिजेंबलेंसेज जो है वो बिटवीन टू फाइला आर नाइदर एक्सीडेंटल, हम ये नहीं कह सकते कि ये हादसाती तौर पर ऐसा हो गई है इतफाकन, आर ड्यू टू बट नॉट ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के अलग अलग इंसेस्टर होंगे, बट बिकॉज टू आर क्लोज रिलेटेड बोथ इमर्ज फ्राम द सेम कॉमन इंसेस्टर, यानी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। लेकिन याद रखें सर्वलाम सेंड एवोल्यूशन पर ही यकीन नहीं रखते हैं। एकाइनोडर्म्स आल्सो शो वेरी क्लोज रिजेंबलेंस, ये एक अलहदा बहस है, इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। तो एकाइनोडर्म्स आल्सो शो वेरी क्लोज रिजेंबलेंस विद कॉर्डेट्स बिकॉज बोथ है मेसोडर्मल स्केलेटन एंड डिटेरियोस्टर्म्स इन बोथ लोअर कॉर्डेट्स एंड एकाइनोडर्म्स, द अर्ली डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, दैट्स वाई दे हैव बीन प्लेस क्लोज टू द फाइलम कॉर्डेटा। तो ये आज का लेक्चर है, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सबको आमीन आसर आमीन, शुक्रिया।